लो रेंज बेस्ट स्कूटी ट्यूब। दोस्तों आज का टॉपिक यही है, वीडियो स्टार्ट करेंगे अभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरएस टायर्स में, प्लीज़ चैनल फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया करो। दोस्तों बात कर रहे थे हम ट्यूब की, स्कूटी की बेस्ट क्वालिटी, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिनी गोल्ड का रिव्यू। तो दोस्तों रिव्यू हम लाइव करेंगे अभी, आगे की वीडियो में देखें, दोस्तों पूरा देखिएगा वीडियो। दोस्तों साइज़ की बात करें ना, तो स्कूटी में मेनली ना दो ही साइज़ होते हैं, 10 नंबर और 12 नंबर, तो वो दोनों साइज़ इसमें ट्यूब में अवेलेबल हो जाते हैं, बड़े आराम से मार्केट में मिल जाती है। बात करें इसकी क्वालिटी की, तो दोस्तों नॉर्मल रबड़ और बुटाइल रबड़, ये दो रबड़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो ये बुटाइल रबड़ क्वालिटी है, तो ये बहुत अच्छी होती है नॉर्मल रबड़ के बजाय, ये बहुत अच्छी है क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, बात करें ना इसकी प्राइस रेंजों की, तो प्राइस रेंज इसमें ना ये अराउंड 120 रुपये से 150 रुपये रिटेल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे कि जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना दोस्तों, सी एट और मिनी गोल्ड, तो हम मिनी गोल्ड का रिव्यू करेंगे। दोस्तों सी एट ओरिजिनल के बारे में जानने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जान सकते हैं सी एट ओरिजिनल की पहचान कैसे करें। दोस्तों अभी एक चीज़ और ही है, दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, आप देख रहे हो 96.8% लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। कोई कमेंट हो आपका मेरी वीडियो रिगार्डिंग कि आपको कोई चीज़ बेकार लगती है तो मुझे बताइए प्लीज़, मैं उसको सुधारूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो यहाँ पर लाइव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूब मैंने निकाली है इसमें से मिनी गोल्ड की, तो आप देखिए सबसे पहले आप पैकिंग देखिए, इस टाइप की पैकिंग में आती है, 3/50/10 इस पर साइज़ लिखा हुआ है, ये स्कूटी का साइज़ है 3/50/10 का। ठीक है, इसमें 3/50/12 भी आता है। ठीक है, अंदर से ट्यूब खोलोगे ना तो अभी इसमें देखिए दो साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं, 100/90/10 का मतलब हुआ ये ट्यूबलेस टायर है, तो ये उसमें भी डल जाएगी। 3/50/10 का मतलब होता है ये नॉर्मल टायर है, उसमें भी डल जाएगी, तो ये दोनों में डल जाएगी। बात करें ना दोस्तों, आप इसकी नल की देख रहे हो ना, ये एल साइज़ नल की है, तो इसमें आई साइज़ भी मिल जाती है, कई स्कूटी में एल साइज़ चलती है, कई में आई साइज़ चलती है, तो वो भी इसमें मिल जाती है ट्यूब। ये आपको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग मांग सकते हो, जिस हिसाब से आपका स्कूटी में यूज़ होता है। दोस्तों बात करें बुटाइल ट्यूब, इस पर लिखा ही हुआ है अकॉर्डिंग भी, और ये बुटाइल ही है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी पहचान है बुटाइल ट्यूब की कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और नॉर्मल जो रबड़ होती है बहुत हार्ड होती है। अब क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही बढ़िया ट्यूब है, मेड इन इंडिया है, कोई बाहर का इसमें आइटम यूज़ नहीं हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, और रबड़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोस्तों बुटाइल है ना तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जानी है रबड़ क्वालिटी, इसमें कोई इशू नहीं है किस चीज़ का। प्राइस रेंज भी कोई इसका ज़्यादा नहीं है, तो स्कूटी के लिए बेस्ट ट्यूब हो सकती है मार्केट में ही आपके लिए। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मार्केट में ना बहुत सी कंपनियां आती हैं इस रेंज में 120 से 150 की, तो मुझे सबसे अच्छी ट्यूब ना मार्केट में इस प्राइस रेंज में यही लगी, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू करना चाहा। लेकिन ट्यूब तो मेरे पास भी 5-6 तरीके की थी इस क्वालिटी में, तो ये बहुत अच्छी ट्यूब है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, धन्यवाद दोस्तों।